नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई मोटिवेशन के साथ में 6 मई 2018 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूं कि जल्दी से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लो। 1 से 5 मई, 1 तारीख से लेकर 5 मई के बीच में जो भी करंट अफेयर्स का वीडियो आप लोगों को बताया है, उसका जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप देख सकते हैं, 1 मई वाला ये रहा, 2 मई वाला उसके नीचे रहा, उसके अलावा 3 मई, 4 मई, 5 मई, 6 मई, टोटल 5 मई तक का मैंने अपलोड कर दिया है और आगे भी इसी तरीके से अपलोड करता रहूंगा। तो जिन लोगों ने अभी भी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो जल्दी से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से और उसमें सर्च करें टारगेट स्टडी IQ और मेरे चैनल को ज्वाइन करें। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का वीडियो इन सभी एग्जामों के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गो टू विलेज मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो देखो, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गो टू विलेज कहाँ का है, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मणिपुर में ये प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया है। तो इसमें मणिपुर के बारे में और क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे मणिपुर के सीएम भी पूछे जा सकते हैं। तो मणिपुर के सीएम कौन हो जाएंगे, एन बीरेन सिंह। ठीक है, जितने भी देखो MP, UP इन सब के सीएम तो सभी को याद होते हैं, लेकिन जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं या फिर साउथ के स्टेट हैं वहाँ का सीएम जरूर याद कर लेना। इसके अलावा ये जो गो टू विलेज स्कीम है, इसका पर्पस क्या है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसका पर्पस है कि राज्य के हर कोनों में जो लोग पात्र यानी कि जो लोग योग्य हैं लाभार्थी यानी कि लाभ पाने के लिए सरकारी सेवाओं को, तो ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जा रहा है उनको सरकारी सेवाएँ प्रदान करने के लिए। कभी कभी हो सकता है आपसे मणिपुर का गवर्नर भी पूछ लिया जाए, तो इसका गवर्नर कौन हो जाएगा, डॉक्टर नजमा ए हेमतुल्ला। तो डॉक्टर नजमा याद रखेंगे तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्क वित्तीय मंत्रियों की 12वीं अनौपचारिक बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है। ठीक है, इसमें देखो सार्क वित्त मंत्रियों की है, जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी बैठक है ये। ठीक है, और ये कौन से नंबर की थी, 12वें नंबर की अनौपचारिक बैठक है, ये कहाँ पर संपन्न हुई है। तो सेकंड का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मनीला यानी कि फिलीपींस में। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या पूछा जा सकता है, देखो इसमें और ये पूछा जा सकता है कि सार्क का SAARC सार्क का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि ये जो 12वीं बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी नेपाल के वित्त मंत्री जिनका नाम है युवा राज खातीवाड़ा। एक बार फिर से आप लोग समझ लेंगे, पूछ लिया जाता है युवा राज खातीवाड़ा। ठीक है, इन्होंने उस बैठक की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा ये क्वेश्चन तो 100% बनना है कि सार्क देशों में कौन कौन से देश आते हैं, तो ध्यान से नोट करते जाना। सबसे पहला तो आपका हो गया अफगानिस्तान। ठीक है, सबसे पहला अफगानिस्तान। नंबर दो पर आपका हो गया बांग्लादेश। ठीक है, नंबर तीन पर हो गया आपका भूटान। नंबर चार पर हो गया आपका नेपाल। नंबर पाँच पर हो गया आपका मालदीव। और नंबर छः पर हो गया पाकिस्तान। इसके अलावा नंबर सात पर कौन सा देश है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मैंने कौन सा देश नहीं बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है परिशुद्ध कृषि का विकास करने के लिए नीति आयोग का किस कंपनी के साथ में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर करार किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चार ऑप्शन है आपके पास में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि IBM ने ये करार किया है विकास के लिए। तो इसमें आपसे क्या क्या और चीज़ें पूछी जा सकती हैं, एक्चुअली इस करार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा प्रडिक्शन करने के लिए कि खेती बाड़ी में कौन सी फसल हो सकती है, मौसम का क्या रोल रहेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें कभी कभी नीति आयोग में जो नीति है इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो नीति का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है,
तो इसके चेयरमैन एक्स ऑफिशियो पीएम होता है, यानी कि जो भी पीएम रहेगा वो वहाँ का चेयरमैन बन जाएगा। तो इस समय इसके चेयरमैन कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इसका उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उपाध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे राजीव कुमार जी। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका सीईओ कौन है, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। चेयरमैन अलग होता है, उपाध्यक्ष अलग होता है, और सीईओ अलग होता है। इसको मर्ज मत करना, सीईओ का नाम पूछा जाए तो अमिताभ कांत, तीनों नाम नोट कर लेंगे, पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी होने पर विरोध प्रदर्शन किया गया है? तो ये तो आपने जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये विरोध हो रहा है। हाल ही में विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की रिपोर्ट के अनुसार किस कारण भारत, अफ्रीका तथा यूरोप के कुछ देशों में माँ का दूध भी अशुद्ध माना जा रहा है, मतलब शुद्ध नहीं रहा है? तो ये हुआ है किस वजह से? आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, मृदा प्रदूषण की वजह से माँ का दूध भी शुद्ध नहीं रहा, जो कि अपने लिए अपने आप में बहुत ही गलत खबर है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक RTI जवाब के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के कुल कितने बैंक घोटाले हुए हैं? तो इसको याद रखना जरूर, क्योंकि ये IBPS PO में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23,866, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको याद कैसे करोगे? कुछ ना कुछ आपको माइंड में डिजिट बनानी पड़ेगी, जैसे देख सकते हैं 666 इसमें आ रहा है, तो याद रखेंगे 666 जहाँ पे आ रहा था, घोटाले, घोटाले का घा ऐसे बनता है, घा, ठीक है, घा, तो घा ये देखो 6 जैसा बन रहा है, 6 जैसा, तो ये याद रखो कि ये जो घोटाले हुए हैं वो 666 वाला डिजिट होगा, यानी कि 23,866 हो जाएगा। कुछ ना कुछ याद करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा माइंड में। IT फर्म कॉग्निजेंट ने हेडेरा कंसल्टिंग हासिल की है, ठीक है, यह एक ऐसा कदम है जो ग्राहकों के लिए पूर्व की परामर्श और डिजिटल परिवर्तन क्षमताओं को मजबूत करेगा। हेडेरा परामर्श कौन से देश से बिलोंग करती है? तो हेडेरा जो कंपनी है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेल्जियम पर आधारित है, बेल्जियम की कंपनी है। अगला क्वेश्चन, भारत नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की 157वीं जयंती मनाने के लिए में 5 दिवसीय सांस्कृतिक त्यौहार आयोजित कर रहा है, तो किस देश के साथ में ये कर रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन तो हो गया इस बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कौन सी जयंती मनाई जाएगी, तो आंसर हो गया 157। अब ये कौन से देश के साथ में सांस्कृतिक त्यौहार ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इजिप्ट के साथ में ऐसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा है। अगला क्वेश्चन, विंबलडन के अधिकारियों के मुताबिक 2018 पुरुषों और महिलाओं की एकल चैंपियनशिप को 2.25 बिलियन यूरो मिलेगा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आप देख सकते हैं, आंसर नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 50,000। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा मोहम्मद सलाह को फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है, वह किस देश से हैं? तो ये देखो रेलवे एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी, मिस्र। 11 नंबर क्वेश्चन, उस भारतीय मुक्केबाज का नाम बताइए जिसे WBC एशिया बॉक्सर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस बॉक्सर का नाम बताना है हमें, इस बॉक्सर का नाम हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि नीरज गोयाट, नीरज गोयाट। तो इसको याद कैसे रखेंगे? कुछ ना कुछ आपको बनाना पड़ेगा गोयाट नाम से, कि सो दैट आपको लंबे समय तक याद रहे। 12वां नंबर क्वेश्चन करेंगे, गूगल की लोकोपकारी शाखा ने भारत में शिक्षण प्रशिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षिक सामग्री निर्माण के लिए अनुदान $3 बिलियन की घोषणा की है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी,
google.org। इसमें और भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि ये 3 बिलियन का जो ये सहायता मिली है, इसमें से जो 1 बिलियन डॉलर है, 1 बिलियन डॉलर जो है ये दिया जाएगा द टीचर ऐप। एक आपका ऐप होता है द टीचर ऐप, टीचर ऐप में आपको 2 साल में 5 लाख टीचर जोड़ने के लिए 1 1 मिलियन डॉलर पैसा दिया गया है, और 2 बिलियन डॉलर जो पैसा दिया गया है ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। किसकी तरफ से? यूट्यूब की तरफ से कुछ टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट ये शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। तो इसका आंसर सी यहाँ पर हो जाएगा, google.org। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल सलाहकार एटी केरनी ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कॉन्फिडेंस सूचकांक 2018 जारी किया है, उस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इस एफडीआई कॉन्फिडेंस सूचकांक में भारत की रैंकिंग हो जाएगी 11th, ठीक है, 11वीं। और अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे पहली रैंकिंग किसकी है, तो नंबर 1 पर आता है यूएस, नंबर 2 की बात करें तो आ जाएगा आपका कनाडा, ये भी पूछे जा सकते हैं, नंबर 3 की बात करें तो जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। इसके बाद में आपका 11वें नंबर पर आता है भारत का नाम, किसमें? एफडीआई कॉन्फिडेंस सूचकांक में। राज्य संचालित पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल ने चालू वित्त वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए की पूंजी व्यय के लिए बिजली मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का B, 25,000 करोड़ रुपए का ये समझौता किया गया है। वैश्विक सलाहकार एटी किरनी द्वारा हाल ही में जारी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई कॉन्फिडेंस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर प्राप्त करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, नंबर 1 पर है यूएसए, ठीक है, नंबर 2 पर मैंने बताया था आपको कौन सा देश, कनाडा, और नंबर 3 पर कौन सा बताया था ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। स्वीडिश एकेडमी ने इस वर्ष किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं देने की घोषणा की है? 2018 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन रहेगा कि कौन से क्षेत्र में इस बार नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में पहली बार ऐसा हो रहा है कि नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा, उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वर्ष 1943 के पश्चात पहली बार 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। एकेडमी में लैंगिक दुर्व्यवहार के मामले सामने आने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है, यानी कि जो लोग टीम मेंबर्स थे उनमें उनके अंदर लैंगिक दुर्व्यवहार की वजह से ऐसा डिसीजन लिया गया है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि नोबेल प्राइज टोटल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सबसे पहला हो गया आपका फिजिक्स, नंबर 2 पर आपका हो गया केमिस्ट्री, नंबर 4 पर आपका हो गया मेडिसिन, नंबर 5 पर हो गया आपका लिटरेचर, नंबर 6 पर हो गया आप 5 पर हो गया इकोनॉमिक्स, और 6ठे पर हो गया आपका पीस, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस, इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन इस बार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाएगा, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेशनल पेंशन सिस्टम ने किन 2 मामलों में अपने सब्सक्राइबर को आंशिक निधि वापस लेने की अनुमति प्रदान की है? तो 17 का देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, उच्चतर शिक्षा एवं नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए। हाल ही में किस राज्य ने तिवा जनजातियों ने अच्छी फसल व कीटनाशक एवं प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल की सुरक्षा के लिए यांगली त्यौहार मनाया है? ध्यान से समझना, यहाँ पर यांगली त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आसाम में। एक बार फिर से देख लें, यांगली त्यौहार कहाँ मनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा आसाम में। हाल ही में तमिलनाडु में यूरोप पेल्टिस भूपथी नामक एक नई प्रजाति खोजी गई है, यह निम्नलिखित में से किस जंतु की प्रजाति है? तो इसका देखो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ये एक सांप की प्रजाति है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लास हाउस क्यू गार्डन में फिर से खोला गया है, कहाँ यह कहाँ पर फिर से खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। क्यू गार्डन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा ग्लास हाउस है जिसको इंग्लैंड में फिर से खोला गया है।
नवगठित रक्षा योजना कमेटी डिफेंस प्लानिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो 21वें नंबर का आंसर हो जाएगा 21वें का डी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जोड़ने का सुझाव दिया है? बहुत ही अच्छा सुझाव है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। आगे बढ़ते हैं। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार वर्ष 2017 में सैन्य व्यय करने वाला भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश था। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य करने वाला प्रथम चार देश कौन से हैं? तो 23 का आंसर आप बताएंगे कमेंट करके। इसका आंसर हो जाएगा यूएस। यूएसए सबसे नंबर पर, चाइना नंबर टू पे, सऊदी अरब तीसरे नंबर पे, रशिया चौथे नंबर पर और पांचवें नंबर पर आ जाएगा इंडिया का नाम। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने फेजेवरिया गोयमची नामक मेंढक की नई प्रजाति की खोज की है, वो किस जगह पर की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 11 नंबर। 24 का हो जाएगा ए आंसर, यानी कि गोवा इसका सही आंसर हो पाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। और ये जो पीडीएफ है, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं और मेरी ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हैं, हर एग्ज़ाम के लिए पीडीएफ आना चाहते हैं, तो आपको बस गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है टेलीग्राम। जैसे ही आप टेलीग्राम सर्च करेंगे, आपको ये वाला एंड्रॉयड ऐप दिख जाएगा। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल में। इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आप उसको ओपन करोगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है। मैं सारी पीडीएफ को डायरेक्ट वहाँ पर सेंड कर देता हूँ। आपको सर्च करना है टारगेट स्टडी IQ। जैसे ही आप इसको टाइप करोगे, आपके सामने एक ग्रुप आएगा जिसमें मेरा लोगो भी लगा होगा और टारगेट स्टडी IQ लिखा होगा, जिसमें 70,000 लोग पहले से ही जुड़ चुके हैं। तो आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए, जहाँ पर मैं देखो आपको रेगुलर जो भी करंट अफेयर्स का वीडियो बनाता हूँ उसका पीडीएफ मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है। तो आप लोग भी जल्दी से यहाँ से जुड़ जाइए, सो दैट आपको भी पीडीएफ मिलनी स्टार्ट हो जाए। करंट अफेयर्स के अलावा और भी जो वीडियोस के पीडीएफ होते हैं वो सब मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। सो गाइस, ये देख लीजिए, जैसे 65th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में मैंने बताया था, उसका भी पीडीएफ मैं शेयर कर चुका हूँ। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होता है वो भी मैं रेगुलर यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। सो गाइस, जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर भी करवाता हूँ, सो दैट हम लोग रेगुलर इसी तरीके से तैयारी कर सकें। सो थैंक्स गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और बताइएगा आपको कैसा।